जो उस समय सूट करेगा, जो सबसे ठीक होगा, जो सबसे सबका विश्वास जीत लेगा, वो आएगा ही। और आखिर इतने सब लोग होते हैं, लोकतंत्र में निर्णय ऐसे ही होते हैं। आखिर तो चुनाव लड़ने वाले भी कई कैंडिडेट होते हैं, सभी अपने आप को एमएलए मान के चलते हैं, एक विधानसभा में 8, 10, 12, 15, अब तो 50-50 भी लड़ने लग गए हैं चुनाव। 50 के 50 कहते हैं मुझे विधायक बनना है, बनता कितना है? एक बनता है, क्योंकि जनता एक को चुनती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इस लोकतंत्र में, मानो 50-50 एकदम एग्जैक्ट आ जाते हैं। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, सिक्का उछाल के जिसके हक में आ जाता है, ठीक है ये जीता, दूसरा हार गया, और मान लेते हैं। बिल्कुल, निर्णय करने के एक पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, संस्कार है हमारे। हम अपना निर्णय आज से नहीं, जनसंघ के समय से जितने निर्णय करते हैं हम लोकतंत्र के नाते करते हैं। हमारे यहाँ वंश परंपरा नहीं है, पप्पू के घर में जन्मा हुआ पप्पू वो मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा नहीं है। यहाँ कोई खतरा नहीं था किसी को आगे कि अटल जी के बाद कौन होगा, मोदी जी के बाद कौन होगा, योगी जी के बाद कौन होगा, मनोहर लाल के बाद कौन होगा, ये उनको खतरा ये नहीं है कि इनका कोई ठीक है।